टू के दुर्घटना स्थल विक्रम लैंडर के मलबे की तस्वीरें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ट्विटर पर पोस्ट की है। चेन्नई के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने विक्रम लैंडर के मलबे को खोज लिया है। इसकी पुष्टि खुद नासा और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने की है। ऑर्बिटिंग कैमरा से चंद्रमा की तस्वीरों का निरीक्षण करने के बाद नासा ने कहा कि विक्रम लैंडर के दुर्घटना स्थल और मलबा का पता लगा लिया गया है। नासा ने देर रात ट्वीट कर ये जानकारी दी। नासा को अपने ट्वीट के एक तस्वीर पोस्ट करने की भी खबर दिखी और ये पोस्ट वही है जिसमें विक्रम लैंडर के प्रभाव बिंदु और उसी क्षेत्र को दर्शाया गया है जहां पर कि मलबा मिला है। नासा ने अपने बयान में कहा कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की क्षतिग्रस्त होने के बाद चंद्रमा के सतह से इतने करीब पहुंचना एक अद्भुत उपलब्धि है। 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर सॉफ्ट लैंडिंग के समय चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया। विक्रम लैंडर का संपर्क जिस समय इसरो के नियंत्रण कक्ष से टूटा वो चंद्रमा की सतह लगभग 2.1 किलोमीटर दूर था। नासा ने अक्टूबर में कहा था ऑर्बिटर से मिले ताजा फोटो में चंद्रयान 2 के लैंडर का कोई पता नहीं था। भारत का चंद्रयान 2 सफल हो जाता तो वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान के लैंडर विक्रम का आखिरकार ढूंढ लिया गया है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर ने मून की सतह पर विक्रम लैंडर का मलबा तलाशा है। नासा ने विक्रम का मलबा ढूंढने का क्रेडिट चेन्नई के एक मैकेनिकल इंजीनियर को दिया है जिनका नाम है इंजीनियर सान मोंगा सुब्रमण्यम। बता दें कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का मलबा क्रैश साइट से 750 मीटर दूर 3 टुकड़ों में मिला। नासा की ओर से जारी की गई तस्वीर में वो जगह दिखाई गई है जहां विक्रम लैंडर चांद की जमीन पर क्रैश हुआ था। तो ये तस्वीरें देखकर आपको क्या फील हो रही है और किस तरीके का अंदेशा लग रहा है, जरूर दें अपनी राय। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।